हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो निशा न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिनर में बहुत ही सादा खाना बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ डिनर में क्या बनता है शाम को। जैसे मेरे घर पे सुबह के टाइम सब्जी रोटी बन जाती है तो सब टिफिन लेके जॉब पे चले जाते हैं, इसीलिए शाम को सब घर पे रहते हैं तो पूरा खाना अच्छे से बनता है, सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। तो शाम के टाइम या तो सब्जी चावल रोटी चटनी सलाद बनेगा, नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है और चटनी सलाद भी बनता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यहाँ डिनर में क्या बनता है। देखिए, ये सलाद की तैयारी हो गई। ककड़ी, मूली, बीट, टमाटर ये मैं सलाद के लिए रख दे रही हूँ साइड में धोके। और मैं हरे प्याज की सब्जी बना रही हूँ आज खाने में। तो देखिए, मैंने प्याज की सब्जी मैंने फ्राई कर दी है और अभी मैं साइड में दाल धो के रख दे रही हूँ। और दाल की क्वांटिटी अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने एक लोटा और थोड़ा सा दाल डाला, हींग डाला और नमक डाल दिया। और नमक डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, कलर अच्छा आएगा। और एक खटाई डाल देती हूँ, खट्टा खट्टा लगेगा दाल, बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक बड़ा टमाटर मैंने कट करके डाल दिया है। तो अभी मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और सब्जी को मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ क्योंकि सब्जी हरे प्याज की है तो जल जाएगी। देखिए, काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अभी मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। मैं टमाटर पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर कच्चे थे थोड़े और कठोर थे, तो मैं उसको पहले डाल दूंगी तो अच्छे से पक जाएगा, गल जाएगा। और मैंने दो तीन आलू पतले पतले कट करके रखे थे, मैंने उसको डाल दिया है। और दो मिर्ची डाल दी और नमक डाल दिया बाकी। और इस सब्जी में कोई मसाला मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि एकदम सादा सादा खाना खाना पसंद करते हैं सब लोग शाम के टाइम डिनर में, तो इसीलिए मैं एकदम सादा ही बना रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और कढ़ाई मेरी इसलिए इतना भाग रही है क्योंकि इससे पहले मैंने चाय के साथ पापड़ छाना था, पापड़ छानने से कढ़ाई जो तेल है नीचे चला गया था, इसीलिए कढ़ाई बहुत फिसल रही है। तो देखिए, मैंने चावल ले लिया है और चावल को मैं थोड़ा सा सूप में लेके झटक लेती हूँ ताकि कोई कीड़ा और छोटे मोटे कीड़े हों तो उड़ जाए। इसीलिए मैं थोड़े से चावल जब बनाने टाइम मैं उसको थोड़ा सा झटक लेती हूँ। और देखिए, सब्जी बनके रेडी हो गई है और मैं उसको निकाल ले रही हूँ और कढ़ाई को रख देती हूँ साइड में। कढ़ाई काफ़ी जल गई है, मैंने इसमें पापड़ फ्राई किया था तो नीचे जल गई है। और मेरी दाल हो गई है अब रेडी और मैं दाल को साइड में बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसी में चावल भी बनाऊंगी तो इसीलिए मैं उसको साइड से निकाल ले रही हूँ। और आप लोग वीडियो देखिए और बताइएगा कि आप लोग कैसे शाम को डिनर कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं। तो और आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा ये सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों का कमेंट हमेशा पढ़ती हूँ। तो मैंने साइड में चावल धो के रख दिया और मैं अब दाल फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने करछी ले ली और करछी में राई का तेल डाल दिया सरसों का, और अभी मैंने उसमें जीरा और लहसुन डाल दिए। तो जीरा, लहसुन और कड़ी पत्ती का ही तड़का दूंगी, बाकी इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। टमाटर वगैरह सब मैंने डाल दिया था, दाल ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो ये देखिए, मैंने दाल फ्राई कर दी और मैं इसमें बहुत सारा धनिया डाल दे रही हूँ क्योंकि धनिया मुझे बहुत ही पसंद है। धनिया का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत पसंद है। और गैस का चूल्हा इतना गंदा हो गया है, बाबू का दूध उबालती हूँ, कितना भी कम गैस करके रखो थोड़ा सा गीली जाता है। तो मैं शाम को खाना बनाने खाने के बाद जब डिनर हो जाता है सबका, तब मैं किचन और बर्तन सब साफ करती हूँ, बार बार मैं पोछा नहीं लगाती। और अभी मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, तो थोड़ी सी ही रोटियाँ बनेंगी। तो मेरी फैमिली बहुत ही छोटी है, सासू माँ और ससुर जी, मैं और मेरे पति देव, मेरा एक छोटा सा बाबू है
जो कि अभी खाना नहीं खाता। तो और पतिदेव हमेशा डाइटिंग पे ही रहते हैं, थोड़े से ही डिनर करते हैं, इसीलिए देखिए मैंने थोड़े से चावल और थोड़े से आटा और बाकी दाल और सब्जी आप देख ही रहे हैं। तो मैं भी सारे रोटियां बना ले रही हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ डिनर में शाम को क्या बनता है, आपकी फैमिली क्या खाना पसंद करती है और कैसे आप लोग बनाते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या चीज़ नहीं यूज़ करते, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरी कितनी प्यारी प्यारी फुली फुली रोटियाँ हो रही हैं और सारी रोटियाँ बन के रेडी हो गई। तो अभी मैं सारी रोटी को टिफिन में रख ले रही हूँ, नहीं तो कड़ी हो जाएंगी। अभी खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है, तो ससुर जी कुछ काम कर रहे हैं, जब वो खाना खाएंगे तब मैं निकालूंगी। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। साइड में मेरा चावल पक गया है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान।